उसी सब यहाँ बस होने जासू सुनील होने सब जदूला सिंह सैणे होने गे एक घर ने खावा दोहर घर खा घर खा पा ले तो होनी ने होनी है पचास घर एक रखना भाई हो गो भाई पैसे से रंग भाया हमको अल भरेर वो पल भरेर जहाँ मैं सुन पूछा पढ़ू यार चलो पढ़ी लिखी लो होने लो अपने अनपढ़ छीन में पांच पहाड़ी छीन इंग्लिश में जाओ तो उसे भागना चार नहीं थी ना कि मेरे पास ही आप घर की रहती छोड़ बे पत्रों ने वो सचिन लो डब्लू चक्कर में पड़ो नल क्या तो वो है बहन अरे फल्गुन हल रन का तो सब भाई पर बुद्धि रन का वो है लगी पिछाड़ी की सोचन है ना वो लोग जाल में फंसे दी काला जादू कर है नहीं उड़े आऊं काला जादू कर नल से गरम देखा मैं फोटो का सब जगह सीमा है इधर सब जगह सीमा है इधर अगर वह भाई आर्मी में तो जास्तो नील पक्का वो जासूस पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आवाम यूट्यूबर जो यूट्यूबर है पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स के लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो सीमा पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और अगर वो पाकिस्तान वापस आती है तो उसकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सभी लोग हैं जो सीमा की जान के दुश्मन बने हुए हैं और अगर सीमा पाकिस्तान वापस जाती है तो वो बचेगी नहीं, ये तो तय है। जबकि भारत के लोग ये मांग लगातार कर रहे हैं कि सीमा को डिपोर्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और जय श्री राधे कृष्णा। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी स्वस्थ हैं मस्त हैं। तो अभी बजे हैं सुबह शाम के 3 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ हमारे गांव के महिलाओं का क्या कहना है सीमा हैदर के बारे में। तो उन्होंने जानो आए सीमा हैदर वो तो कदी ना मारे सी थप्पड़ है चलो कशी है गे बाबू पाकिस्तान पे तो ये बात सचला कर दो को संसार बजो को अब पाकिस्तान बजो ये है गे का है गे भारत बाबरे नेपाल बाड़ू बाड़ बाबू दुबई लगे वाला माओ दुबई या बाड़ू बाड़ू बाड़ कोई सकल पे के ब्रश नहीं बाबू माओ जो की पत्ते जब खाली कोने वो पांच फेल सीन कभी पांच पांच सीन कभी कदू पड़ो हो जान किसु जान इंग्लिश में बुलाने है वो कोई ना इंग्लिश में तो कोई कोने आओ ये पांच पांच कोने खाली जुड़ बुलाने या कोई अंग्रेजी का सीन वाला करना ओहो ओहो आतंकवादी ना तो मिल रहा नहीं लो और मेरा लगना माने हुनाल चलो हुनाल ना वेल बहुत पहले पे प्लान बना रहा नॉल वेल चलो 19 हुनाल वेल बहुत पहले पे प्लान बना रहा नॉल ने वो क्यों नहीं बतो वेल क्या तो पाकिस्तान पे खूब डबल है नेल और अब उस चेरू ले शेरू को गरम हो रहा है कैसे सोया है ये टांग को ऐसे फैला के चलू ले अच्छा उधर काटो ना अम्मा काटो ना रोई दोनों में वीडियो अम्मा तंबाकू खा रही है अम्मा के लिए तंबाकू बना के ला गई है एक घुटुक मिला मानू अल्लाह अम्मा तक क्या हो बे अम्मा लाओ ये मिले पीनो पहले पियो तुम भी पीनो में আমার ইয়া খাবি কষ ফলে বার উন্ন লিয়া হাওয়ে মা মিট মিট যা লাগতো সত্যি মে খানো বা মুন্দি চলো আ তুমি কদিন লাগায় ও কাই গিয়ে আবার আতল ও কদিন লাগায় अभी मैंने गेहूं धो के डाले थे धूप में और ये सारी चिड़िया खा के चले जा रही है। अब मैं क्या करूंगी इतने साफ सुथरे से मैंने धूप में डाले थे और ये सब चिड़िया खा के जा रही है क्या करूं।
कुछ बंदर खा के जाते हैं, कुछ चिड़िया खा के जाते हैं। बस हो गया, चिड़िया भी आजकल फल फ्रूट नहीं खा रही ज़्यादा, यही खाना पसंद कर रही है। ये देखो ये उस्ताद अभी पंखा लेके अब फिट करने में लग गया। वो वाले पंखों से हवा नहीं आ रही बोल, और ये वाला पंखा लेके आ गया दुकान के लिए। दोस्तों दिन के 2 बज चुके हैं और हमने खाना खा लिया, बहुत गर्म हो रहा है आज, और नहा भी लिया सबने। अब बना रही हूँ मैं चाय, सर दर्द होगी ना नहा के। देखो चाय बना रही हूँ, चाय पीते हैं फिर जाके और काम करेंगे। तो दोस्तों मैंने बना ली है मस्त वाली चाय, अदरक इलायची और लौंग डाल के, ये देखो। तो दोस्तों अब लेते हैं चाय का मजा। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा घास हुआ है, आजकल चौमास है ना, इसलिए पूरे जगह पे हरा हरा घास हुआ है और सांप कीड़े भी बहुत होते हैं। तब जाके मैंने कहा थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। अभी पिंकी की मम्मी आएंगे तो वो ले जाएंगे अपने गाय के लिए, तो तब तक हम घास काटते हैं, ठीक है। वो देखो पिंकी की मम्मी और काजल भी आ गई, ये देखो। तो दोस्तों यह है शाम का धांगड़ी का दृश्य, कुछ ऐसा बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम धांगड़ी में, ये देखो। गाइस यहाँ पे घास काटने में लग गए हैं और यहाँ पे हमारा गांव इतना अच्छा है, देखिए हरी भरी घास हो रही है यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी। और यहाँ पे दुकान है पूनम चाची की, और यहाँ पे होता है गद्दू के पेड़, कितने प्यारे प्यारे गद्दू के फूल है यहाँ पे, फूलों की पेड़ भी है। और क्या कहते हैं ये देखिए यहाँ पे पूरी अच्छी सी वो रोड है, रोड में जाने वाला है। और ये आसमान कितना अच्छा लग रहा है आप सबको बताई होगा। और क्या कहते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बोलिए चुप चुप करते जाते हैं। तो ये देखो ये है सीमा की हालत, मुंह के शिकंज, मुंह का चेहरा हंसी खिलता हुआ, इससे तो बताता है कि बहुत अच्छी होगी ये, पता नहीं अब भगवान जाने कैसे पड़ गए ये दोनों, इनका प्यार निराला। आ बाप रे, 4 बच्चे होते हुए भी फिर भी ऐसे हालत, पूरा देश को परेशान करके रखा है इसने, पता नहीं कब होगा इसका न्यूज बंद और कब होगी इसकी वीडियो वायरल बंद, हर रोज इसी के वीडियो। पापा सीमा इधर जासू सु बोल, जासू सु बोलू सच्चाई छो बोल ने क्या पता
हाय, क्या पता कि सच में न्यूज़ में बता रहे हैं। वो रील बना दियो किसी ने, उसको फेमस कर दो बस। फेमस नहीं, वो बहुत जगह न्यूज़ में बता रहे हैं उसको। क्या हो भी सकती है, उधार खाया है तुम्हारे दुकान में है उधार। सीमा इधर की बात कर, हमारे दुकान में कहाँ आ गई वो, उसे क्यों करना चाहिए को बता। सीमा क्या करना चाहिए को, पाकिस्तानी पाकिस्तान ने भेजला को भेजा है, जब सही हुई उसी गलत नहीं हुई तो जेल कराल। क्या कहते हैं नरीनो गुंडू, जा गुंडू नीले सच्ची में है भाई दो मुझे पे। हमारी संस्कृति अच्छी है, यदि शरण में हमारी में वो आई है तो उसे नागरिकता जरूर मिलनी चाहिए। जितने भी सर गवर्नमेंट की ओर से जितने भी हमारे वो भी हैं काम, उनके बाद उसके बाद जब क्लीन चिट मिल जाए सरकार की ओर से, तब इसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए और फिर इसका सम्मान, फिर इसका वार्म वेलकम होगा हमारे कास्ट में, हमारे सनातन धर्म में, और फिर इसको रहना।